जी अस्सलाम वालेकुम, नियामत खान दुरानी हियर। सवाल आता है मोहब्बत करें बट किससे करें, प्यार करें बट किससे करें। हर बंदा मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं और बताते हैं कि यार बस मोहब्बत बांटते रहे, जैसे हम भी कहते हैं मोहब्बत बांटते रहे, रिश्तों को मजबूत करते रहे। लेकिन आज हम एक और चीज़ के ऊपर बात करने लगे हैं कि हम कहते हैं मोहब्बत करो बट अपने आप से करो। जब आप अपने आप से मोहब्बत शुरू कर देते हैं और जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो जब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर देते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, जब आप अपने आप को जान लेते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर देते हैं तो आपको और भी क्लैरिटी मिलती है, आपको और भी काफ़ी चीज़ें खुल जाती है। और आप जब किसी और से फिर मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत बहुत शानदार होती है और बहुत मज़ेदार होती है। उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने आप से मोहब्बत करने के लिए, हमें किन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें करना चाहिए कि स्टॉप ओवरथिंक अबाउट एवरीथिंग। लाइक छोटे छोटे चीज़ों के बारे में हम ओवरथिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं कहता कि किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद करो, सोचो उस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज़ को रोकने की कोशिश करूँ कि हर चीज़ के बारे में इतना मत सोचना स्टार्ट कर देते कि यार एक छोटी सी चीज़ और हमने उसके ऊपर 3-4 घंटे सोचा है और हमारी रिजल्ट कुछ और निकल आए, हमारी रिजल्ट एक एक्सट्रीम पे जाके पहुंच गए। और उस एक्सट्रीम पे जाके फिर हम दोबारा पीछे देखते हैं तो हमने अपने 3-4 घंटे ज़ाया कर दिए, हमने अपने दिमाग की तका दी है। लेकिन हम देखते हो यार ये इतनी सी बात है, इस पर हमने इतना सोच लिया। तो एक तो ये चीज़ कर दे कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवर थिंकिंग कम कर दे और उसके ऊपर जितनी सोचने की ज़रूरत है उतना सोचना शुरू कर दे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ जो हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, हम अपने आप को छोटे छोटे चीज़ों में इतने बिज़ी रखते हैं कि हमसे कोई दूसरा बिज़ी इंसान है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेम वगैरह भी कुछ लोग खेलते हैं, एक गेम बहुत मशहूर हुई थी, उसका नाम हम वीडियोज़ में नहीं बता सकते, लेकिन वो गेम इतनी मशहूर हुई थी कि हर बंदा उस गेम के ऊपर ही बैठ के गेम खेलता रहा, गेम खेलता रहा। न उनको दिन का पता, न उनको रात का पता, न उनको अपनी ड्रीम का पता, न उनको अपने घर का पता, न उनको अपने रिश्तों का पता, जस्ट गेम के ऊपर। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो हम अपने आप को इतनी बिजी रखते हैं जिसके ऊपर अभी हमें बिल्कुल टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहिए, और अगर करना चाहिए तो एक मिनिमम टाइम उसके ऊपर स्पेंड करें जस्ट अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जस्ट अपने आप को ज़रा एंटरटेन करने के लिए। बल्कि ये नहीं कि उसके ऊपर हम आदत बना लें और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर या पूरा एक साल एक महीना उसी की चीज़ के ऊपर हम लगे रहे। तो दूसरे हमें इस चीज़ की कम करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है, अगर आपने मोहब्बत करनी अपने आप से और आपने अपने आप को समझना है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। ये बार बार हर वीडियोस में हम कहते हैं ऑर्गेनाइज़ करें अपने आप को। अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज़ करने, अपने आप को टाइम के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करें। सबसे पहले आप देखो कि आपके पास कितने घंटे का टाइम है। हर बंदे के पास बराबर का टाइम है, 24 घंटे का टाइम है, उसमें आपने कितना सोना है, कितना उठना है, कितनी गेम खेलनी है, कितनी और चीज़ें करनी, कितना काम करने, कितने अपने रिश्तों को मजबूत करने। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, और जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसके साथ एक और चीज़ आ जाती है, हम बहुत अच्छी प्लानिंग तो कर जाते हैं, हम बहुत अच्छी चीज़ें तो कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ों के ऊपर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम उस पर एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देते हैं। हम हर चीज़ के ऊपर एक्सक्यूज़ करते हैं कि ये चीज़, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपने एक कितना प्लान बनाया था, बहुत मज़ेदार था, वो क्या बना, सर वो इस वजह से नहीं हुआ, भाई वो इस वजह से नहीं हुआ, इस चीज़ की वजह से नहीं हुआ, दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। तो ये चीज़ ख़त्म करें, चौथी चीज़ ये ख़त्म करें कि एक्सक्यूजेस ख़त्म करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ले। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो आप प्लान जो आपने बनाया उसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से चलते हैं। एक और चीज़, हमें थोड़ा सा टाइम जब मिल जाता है वीकेंड के ऊपर या किसी कोई भी टाइम हमें मिल गया, छुट्टियाँ मिल गई, यूनिवर्सिटी से छुट्टी होगी, ऑफिस से छुट्टी होगी, और हम बैठते हैं
पूरा पूरा दिन नेटफ्लिक्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर लगाते हैं और उस पर क्या देखते हैं, उस पर जस्ट एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि आप यूट्यूब के ऊपर टाइम लगा ले, आप नेटफ्लिक्स के ऊपर टाइम लगा ले, लेकिन उसके ऊपर जो आप टाइम लगाते हैं उस पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्री देखें, उस पर आप कुछ नॉलेज की चीज़ें देखें, उस पर आप अपनी ग्रूमिंग की कुछ चीज़ें देखें। सो ये स्क्रीन टाइम जो हमने इतना बढ़ा लिया है, तो इस स्क्रीन टाइम को कम करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे नौजवानों में पाई जाती है और जिस पर मुझे बहुत सख्त काम करने की ज़रूरत भी है और बात करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, यूथ के साथ इंटरेक्शन हमारी होती है, अब्यूजिंग थिंकिंग, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उसके अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स हो गया है, अल्कोहल हो गया, इन चीज़ों में हम अपने आप को इतनी इन्वॉल्व कर देते हैं कि हम इनके आदी हो जाते हैं। और जब हम आदी हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरे खानदान का क्या हैसियत है, इज्जत भूल जाते हैं, सब चीज़ ही भूल जाते हैं। जब इन चीज़ों में हम इन्वॉल्व होंगे तो हम अपने आप से मोहब्बत कर नहीं सकते। तो जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। तो मोहब्बत करें किस से करें? अपने आप से करें। और अपने आप से मोहब्बत करने के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी, इस चीज़ों को आराम आराम से ख़त्म करना स्टार्ट कर दे और अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दे। जब आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप तो अपने आप से मोहब्बत करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे वही बात आती है, जो आप अपने आप को जैसी ट्रीट करते हैं लोग आपको वैसे ट्रीट करेंगे। और जब आप अपने आप को मोहब्बत देंगे, इज्जत देंगे, तो लोग आपको मोहब्बत देंगे, इज्जत देंगे, रिश्ते बनेंगे, कारोबार बनेंगे। सो इस तरीके से बहुत सारे लोग सवालात करते हैं हमसे, रिलेशनशिप के हवाले से, लाइफ के हवाले से, और रिलेशनशिप कोचिंग के हवाले से, रिश्ते कैसे मजबूत बनाया जाए, रिश्तों में जो दरार आते हैं उसको दोबारा कैसे ख़त्म किया जाए। तो आप लोगों का भी अगर कोई सवाल हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक पे, हर जगह पे हमारे नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे वीडियोज़ के ज़रिए या टेक्स्ट के ज़रिए या कॉल के ज़रिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।